गुड मॉर्निंग क्लास प्रीवियस टू लेक्चर्स के अंदर हमने पॉम्बिटेशन कंप्लीट किया दैट अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आज मैं इस लेक्चर के अंदर कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगी लास्ट टू चैप्टर्स में लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर हमने में देखा कॉम्बिटेशन मीन्स सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट आप ऑब्जेक्ट में से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट भी करेंगे और उनका एक स्पेसिफिक और प्रॉपर अरेंजमेंट भी करेंगे लेकिन जब आपको सिर्फ सिलेक्शन ही करना है सिर्फ चूज करना है आउट ऑफ द एन नंबर तो हम यूज में लेते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होगा ओनली सिलेक्शन कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एन सी आर एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर सिलेक्शन सिलेक्शन आउट ऑफ द टोटल नंबर फॉर्मूला हम यूज में लेंगे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू फैक्टोरियल आर इस फॉर्मूले की जगह हम एक इक्वेशन जिसको प्रूव किया गया है हम इससे भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर देखते हैं कॉम्बिनेशन uh, के एग्जाम्पल लेते हैं

आर आर फॉर सेलेक्शन और हमने आर लिया इलेवन एनी इलेवन यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है इट मीन एनी इलेवन प्लेयर्स तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सी सी इलेवन दैट इज फैक्टोरियल फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फिफ्टीन माइनस इलेवन इन टू फैक्टोरियल इलेवन ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन ियल इलेवन सोल्व करने का सिंपल तरीका इजिएस्ट टू इजिएस्ट आप देखिए हमारे पास ऊपर फिफ्टीन फैक्टोरियल है नीचे इलेवन फैक्टोरियल है तो फिफ्टीन को हम टिल ट्वेल्व तक स्पेंड कर लेंगे एंड फैक्टोरियल इलेवन को कैंसिल कर देंगे तो इसके थ्रू हमारे पास आंसर आएगा वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव वे में हम प्लेयर्स को इलेवन प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ द फिफ्टीन सिमिलरली सेम फॉर्मूले के साथ में हम एक और दूसरा भी ऑप्शन अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं एन सी आर एन माइन हमारे पास एन नंबर है फिफ्टीन और उसी के साथ हमारे पास आर नंबर है इलेवन तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा फिफ्टीन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फिफ्टीन माइनस फोर इंटू फोर फैक्टोरियल अल्टीमेटली हमारे पास वही आउटकम निकल के आएगा फैक्टोरियल फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल इलेवन इंटू फैक्टोरियल इंटू इन फैक्टोरियल फोर इसको सॉल्व करने पे सेम आंसर आएगा 13, uh, कॉम्बिनेशन में हमारे पास वो केसेस आते हैं स्पेशल आइटम्स दैट इज डिनोटेड बाईल इंक्लूडेड एंड पी ने इंक्लूडेड हम दोनों चीजें देख रहे हैं जब हम ऑलवेज इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं तो हमने क्या किया n माइनस पी स्मॉल पी ऑलवेज इंक्लूडेड और ऑलवेज टेकन को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल p से तो n माइनस ऑलवेज टू बी टेकन आइटम्स C that is combination R minus always to be taken items क्या करना है सिंपली जो पहला permutation के लिए हमने use में लिया था उसका second part क्योंकि अब हमें अरेंजमेंट नहीं करने इसलिए आर माइनस आर पी आर पी आर माइनस ऑलवेज टेकन आइटम का इक्वेशन यूज में ना लेते हुए सिंपल सेकेंड इक्वेशन को यूज में लेंगे जहां सिर्फ हमें क्या करना है चूज करना है तो आपके पास सेम इक्वेशन uh, बन के आएगी जिसमें से हमने एन में से भी ऑलवेज टू बी टेकन को माइनस कर दिया सिमिलरली आर सिलेक्शन में से भी ऑलवेज टू बी टेकन को माइनस कर दिया क्यों माइनस कर दिया क्योंकि ये फिक्स नंबर है मतलब इनको सिलेक्शन सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि है, ये को हमें लेना ही पड़ेगा तो आपने दोनों में से माइनस कर देंगे और नेवर बी टेकन नेवर इंक्लूडेड दीज आइटम्स उसके लिए हम फॉर्मुला यूज करेंगे एन में से आप नेवर इंक्लूडेड आइटम्स को माइनस कर दीजिए तो एन माइनस स्मॉल पी सी आर सी फॉर कॉम्बिनेशन आर फॉर द सेलेक्शन हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हाउ मेनी टीम्स ऑफ इलेवन प्लेयर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ ट्वेंटी हाउ मैनी टीम्स ऑफ इलेवन प्लेयर्स कैन बी फॉर्म ऑफ ट्वेंटी प्लेयर्स इफ एट पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी ऑलवेज बी टेकन हमें एक टीम बनानी है इलेवन प्लेयर्स की आउट ऑफ द 20 प्लेयर्स में से इसमें से एट प्लेयर्स ऑलवेज बी टेकन एट को तो हमें लेना ही लेना है उसके लिए हमारे पास कोई इट uh, मींस उनके पास उस उन एट प्लेयर्स के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है वो ऑलवेज आएंगे ही आएंगे नाउ 11 में से एट की का प्लेस तो फिक्स्ड हो चुका है तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए n नंबर इज 20 20 में से लेना है 11 सिलेक्शन करना है इज़ आर आर और R में से भी ऑलवेज टेकन जिसको हमें लेना ही है, है वो है एट नंबर तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ट्वेंटी माइनस एट कॉम्बिनेशन सी इलेवन माइनस एट एन में से भी हमने ऑलवेज टू बी टेकन को माइनस कर दिया सिमिलरली आर सिलेक्शन में भी में से भी हमने ऑलवेज टू बी टेकन को माइनस कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गया है ट्वेल्व सी थ्री सॉल्व करने पे टू हंड्रेड ट्वेंटी वे से हम आ, टीम को चूज कर सकते हैं स्पेसिफिक आइटम्स को ऑलवेज लेके चलने पे सेकेंड वन इज ऑल आर नेवर टेकन सम आइटम्स आर नेवर टेकन जिसको हमें बिल्कुल कभी नहीं लेना है या टीम के अंदर इंक्लूड नहीं करना है तो उसको हम सीधा सीधा एंड में से माइनस कर देते हैं नाउ एंड नंबर इज ट्वेंटी करना है आर का और स्मॉल पी दैट इज ने हमने क्या किया ट्वेंटी माइनस एट दट इज रिमेनिंग वन इज ट्वेल्व अब हमारा सिलेक्शन ओनली ट्वेल्व द रिमेनिंग रिमेनिंग प्लेयर्स में से होगा रिमेनिंग में से टीम बनाई जाएगी 12c11 इलेवन सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा आउटपुट इन वे से हम टीम बना, बना सकते हैं जब हम स्पेसिफिक आइटम्स को स्पेसिफिक प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इन दो सिंपल सिंपल कॉम्बिनेशन एंड ऑलवेज टू बी टेकन ऑलवेज एक्सक्लूडेड दो तीन पॉइंट्स देखने के बाद अब हम आते हैं मेन और इम्पॉर्टेंट चीज पे कॉम्बिनेशन मोस्टली प्रोबेबिलिटी के अंदर काम आता है और प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हमें दो कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है द कन्सेप्ट ऑफ एंड ए डी एंड जिसको हिंदी में बोलते हैं और और दूसरा वर्ड है और इंग्लिश में बोला जाता है और जिसे हिंदी में बोला जाता है या चॉइस आइदर दिस और दैट दैट इज ओ आर और इंग्लिश में एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी बॉय भी होगा गर्ल भी होगा इट मीन दोनों ऑप्शन आएंगे तो हम एडिशन एंड मल्टीप्लाई हम कहां पे प्लस का साइन लगाते हैं और कहां पे पे। का साइन लगाते हैं? वो डिपेंड करता है इन टू टर्म्स अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर और वर्ड दिया गया है कि हमें चूज uh, करना है या तो स्पेसिफिक नंबर में या तो वो गर्ल होगी और बॉय होगा किसी भी अरेंजमेंट के अंदर हमें एक सीट फिल करनी है या तो उस पर गर्ल आएगी और बॉय आएगा और का मतलब सीट एक ही है दोनों में से कोई एक होगा तो हम वहां पे साइन यूज करते हैं प्लस का मतलब प्लस एडिशन किया जाता है एंड मल्टीप अब दूसरा वर्ड हम लोग यूज में ले रहे हैं एंड एंड हिंदी में बोला जाता है और गर्ल भी आएगी और बॉय भी आएगा दोनों का आना मैंडेटरी है तो हम मल्टीप्लाई यूज में लेते हैं ये दोनों चीजें हमारे आगे प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएंगी तो अब हम इसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम है two two एक कमेटी बनानी है जिसके एक कमेटी बनानी है जिसमें टू इकोनॉमिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफिसर और वन बिजनेसमैन आउट ऑफ फोर इकनॉमि फाइव गवर्नमेंट ऑफिसर एंड थ्री बिजनेसमैन स्पेसिफिक नंबर्स दे रखे हैं तीनों कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स लेने हैं और एक बिजनेस लेना बिजनेसमैन लेना है टोटल कमेटी में नंबर ऑफ होंगे फाइव और कितने में से लेना है इकनॉमि का टोटल नंबर दे रखा है फोर गवर्नमेंट ऑफिसर का टोटल नंबर है फाइव एंड बिजनेस का है थ्री इन हाउ मेनी वेज कैन दमिटी बी फॉर्म हम कितने से वो कमेटी फाइव में कमेटी बना सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमि दैट इज फोर टू फोर सी टू हमने चार में से फोर में से टू इकोनॉमिस्ट को सिलेक्ट कर लिया नेक्स्ट वन नंबर ऑफ द

टू इकोनॉमिस्ट टू गवर्नमेंट एंड टू वन बिजनेसमैन एनी वन हो सकता है इसमें कोई कंडीशन है सिंपल हमें सिलेक्शन करना है तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगी वन पहली वाली कंडीशन है इकोनॉमिस्ट के लिए तो हमारे पास टोटल नंबर है फोर सी टू दूसरी वाली है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए दैट इज फाइव सी टू इन टू थर्ड है बिजनेस मैन के लिए थ्री सी वन सबसे पहले नीचे हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला होता है पार्मोटेशन का ओनली फॉर द एन सी आर आर फॉर सिलेक्शन कमेटी में हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स होने चाहिए फाइव टू प्लस टू प्लस वन तीनों में आप देख लो आर आपके टोटल नंबर फाइव और कमेटी में भी फाइव की रिक्वायरमेंट है इट मीन ये फुलफिल कर रहा है सेकेंड चीज मैंने इसमें यूज में लिया है इन टू इन क्यों होगा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था जब हमारी कोई भी प्रोसेस गोइंग ऑन है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है तब तक हम इन को यूज करते हैं राइट right? तो हम यहाँ पे लेंगे फोर सी टू टू इकोनॉमिस्ट भी आएंगे और टू गवर्नमेंट ऑफिसर भी होंगे और टू हम वन बिजनेस मैन भी होगा तो इन सब को सॉल्व करके फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल फोर माइनस टू इंटू फैक्टोरियल टू सिमिलरली फैक्टोरियल फाइव डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस टू इंटू फैक्टोरियल टू एंड डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन अः फैक्टोरियल वन हमारे पास सॉल्व करने पे आंसर आएगा वन एटी वे से हम एक कमेटी बना सकते हैं जिसके अंदर टू तो इकोनॉमिस्ट टू तो गवर्नमेंट ऑफिसर और एक बिजनेसमैन होता है और आगे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल से आपको और 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 एंड uh, दोनों की चीजें क्लियर होगी मैं वापस बता देती हूँ हम इन टू लेते हैं जहाँ और का चीज आ रही है ये भी आएगा इकोनॉमिस्ट भी होंगे गवर्नमेंट uh, ऑफिसर भी होगा और बिजनेसमैन भी होगा ये कंपलसरी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है तीनों से ही कमेटी बनेगी इनके बिना कमेटी नहीं बन सकती है इसमें हम इंटू यूज में लगेंगे इंटू लेंगे और इंटू को समझने के लिए हम एक तो सिंपल वे ये भी देख सकते हैं जब भी कोई प्रोसेस चल रही है वो टिल कंप्लीट नहीं हो जाती तो हम उसके लिए मल्टीप्लाई करते रहेंगे अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिस्ट लेती अगर गवर्नमेंट uh, ऑफिसर नहीं होते तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि कमेटी तो पांच जने की होगी इकोनॉमिक तो सिर्फ मैंने two, मुझे टू ही चूज करने हैं तो इन टू फिर गवर्नमेंट ऑफिसर वो भी सिर्फ टू होंगे कमेटी में पांच होने चाहिए अभी भी फोर है एक वैकेंट है इन टू बिजनेस मैन दैट इज अ वन अब मेरी कमेटी कम्प्लीट हुई है तो टिल द प्रोसेस आप इन टू यूज में लेंगे एंड प्लस कहा लेंगे हमारे पास आइदर दिस और दैट एक कुछ चूज करना है आउट ऑफ द मेनी ऑप्शन तो हम और को यूज में लेंगे एक और अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू शायद आपको दोनों चीजें यूज में आ रही है प्लस एंड मल्टीप्लाय देखिए फ्रॉम सेवन इंडियन एंड सेवन इंडियन एंड फोर जापानीज़ अ कमेटी ऑफ फाइव इज टू बी फॉर्म फ्रॉम सेवन इंडियन एंड फोर जापानीज दो हमारे पास कैटेगरीज हैं सात इंडियन हैं और जापानीज़ हैं उसमें से हमें कमेटी बनानी है की. अब हमें पांच जनों की कमेटी बनेगी दो कैटेगरीज हैं. द टोटल नंबर ऑफ इंडियन इज सेवन एंड द टोटल नंबर ऑफ जापानीज इज फोर पहली कंडीशन कहता है ऑल इंडियंस पहली कंडीशन में इट मीन कमेटी में फाइव मेंबर्स होना कंपलसरी है एंड ऑल द फाइव ऑल फाइव मेंबर्स इन द कमेटी आर इन कमेटी दैट आर इंडियन तो हम क्या कर देते हैं पहली कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इंडियंस आर सेवन सेवन में से हमें एनी फाइव चूज करने बिकॉज हमारी पूरी कमेटी इंडियन के ट्रुई बनेगी तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एनसीआर सेवन दैट इज सेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेवन माइनस इंटू फाइव फैक्टोरियल जिसको सॉल्व करने पे आ रहा है ट्वेंटी जब मतलब, हम सारे के सारे इंडियन लेते हैं तो हमारी कमेटी, बनाने के वे, uh, वे से हम कमेटी को तैयार कर सकते हैं हमसे कहता है एटलीस्ट टू जैपनीज दंबर ऑफ जैपनीज इज फोर उसमें वो कह रहा है एटलीस्ट टू जैपनीज कम से कम दो जैपनीज होने चाहिए कम से कम टोटल नंबर है चार कम से कम का मतलब होता है टू भी हो सकते हैं लेस देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं वन भी हो सकते हैं तो हम तीनों केसेस देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है सबसे पहले जापानीज़ का ही नंबर लिख लेते जापानीज़ uh, का मतलब कम से कम हमारे पास ये नंबर हो सकते हैं। दो से कम नहीं होना चाहिए तो हमारे पास हो जाएगा टू थ्री एंड फोर द मैक्सिमम नंबर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट आएगा फोर सी टू फोर सी टू का मतलब फोर इज अ टोटल नंबर ऑफ जैपनीज पास कमेटी में टोटल नंबर होने चाहिए फाइव तो फाइव में से टू जैपनीज एंड रिमेनिंग वन इज फाइव माइनस टू थ्री तो थ्री को हम चूज करेंगे आउट ऑफ द सेवन इट इंडियन के केस में आ, हमारे पास इक्वेशन बनेगा सेवन सी थ्री ज हो जाएगा फोर सी टू मल्टीप्लाई क्यों किया है क्योंकि दोनों को मिलाकर हमारी कमेटी बनेगी तो हम क्या कर रहे हैं हिंदी वाला और या फिर एंड ए एंड चल रहा है कंटिन्यूस प्रोसेस है दोनों को मिला के ही पांच मेंबर फुलफिल किए जाएंगे चूज किए जाएंगे इसलिए इन तो टू लग रहा है सेकंड केस क्या होगा एटलीस्ट जैपनीज के टू जैपनीज के बाद हम आ जाते हैं कम से कम टू है मैक्सिमम तो इट डिपेंड्स ऑफ द टोटल नंबर सारे के सारे हो सकते हैं तो अब फोर सी थ्री ये भी एक केस बन सकता है नाउ फोर सी थ्री अगर थ्रीमेंट तो है इंडियन केस नाउ द नेक्स्ट वन अगेन इसमें भी इन लगेगा क्योंकि गोइंग ऑन प्रोसेस है दोनों को मिला के ही कमिटी फुलफिल होगी सिमिलरली फॉर द थर्ड वन फोर सी फोर चारों के चारों जैपनीज हो सकते हैं बिकॉज़ मिनिमम नंबर नंबर पता है मैक्सिमम तो आप कितने भी ले सकते हो और मैक्सिमम नंबर जैपानीज का फोर ही है अगर फोर मेंबर्स आ गए जैपानीज रिमेनिंग वन हमारे पास बचा वन वो हम इंडियन में से चूज कर लेंगे तो ये हमारे पास तीन केसेस होंगे अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ हम इन ले रहे थे बिकॉज दोनों को मिला के कमेटी बन रही है पहले वाले केस में देखो टू प्लस थ्री आर बता रही हूँ एनसीआर तो एन नंबर तो आपके पास स्पेसिफिकली दे रखे हैं जापनीज के फोर एंड इंडियन के सेवन वो सेम रहेंगे हर केस में नाउ द आर नंबर भी सेम रहेंगे लेकिन हमारे पास ऑप्शन चेंज होते जा रहे हैं टू प्लस थ्री थ्री प्लस टू एंड फोर प्लस वन सारे केसेस में आर फाइव ही होने चाहिए पर डिपेंड कर रहा है आपकी रिक्वायरमेंट uh, पे अब हम क्या करें कमिटी कैन बी फॉर्म कैसे होगी हमने ऊपर वो लेतेवन सी टू इंटू फोर सी थ्री प्लस सेवन सी वन इंटू फोर सी फोर ऊपर हमने इंटू किया क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है जितने केसेस बन रहे थे वो हमने बता दिए अब हम प्लस क्यों कर रहे हैं या तो फर्स्ट कमिटी तो एक ही बनानी है या तो वो फर्स्ट केस के थ्रू बन सकती है जिसमें हम थ्री ले थ्री इंडियंस ले रहे हैं एंड टू जापानीज ले रहे हैं या तो ये ऑप्शन चूज करेंगे प्लस प्लस का मतलब होता है और इंग्लिश वाला और और द सेकेंड अदर अनदर ऑप्शन दैट इज सेवन सी टू इंटू फोर सी थ्री या फिर हम ये ऑप्शन भी ले सकते हैं जिसमें हमारे पास टू इंडियंस हैं और टू इंडियंस है एंड थ्री जापनीज है प्लस प्लस का मतलब और ओ आर और या फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके अंदर हमारे पास एक इंडियन होगा एंड उसके साथ में फोर जापनीज होंगे तो अब आपको प्लस और इनटू मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी गोइंग ऑन प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहेगा सारी चीजों को लेना जरूरी है तो हम इन कहते हैं हमें टू हमें या तो पहला इवेंट करना है या दूसरा केस लेना है या तीसरा केस लेना है और वाली चीज हो गई आइदर दिस और देट और दिस तो हम प्लस को यूज में लेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास केस आ रहा है थ्री हंड्रेड वन अब आ जाते हैं लास्ट में नॉट मोर देन टू जापानीज दो जापानीज से ज्यादा नहीं होने चाहिए इट मीन मैक्सिमम नंबर हो सकता है जापानीज का आउट ऑफ द टोटल नंबर फोर एंड रिमेनिंग वन क्या होंगे इंडियन से फुलफिल किए जाएंगे तो अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं जापानीज हो सकते हैं मैक्सिमम तो आपके इंडियन नंबर थ्री हो जाएगा फोर सी टू इन टू इन टू क्यों क्योंकि दोनों को मिला के ही कमेटी बनेगी इसलिए दोनों आने जरूरी हैं एंड ए एंड एंड वाला चलेगा यहाँ तो सेवन सी थ्री हो जाएगा अगर हम जैपनीज में लेस देन पे जाते हैं नॉट मोर देन दो से ज्यादा नहीं हो सकते पर कम तो हो सकते हैं तो फोर वन हमने एक जापानी ले जापानीज ले लिया तो रिमेनिंग वन को फुलफिल किया बाय द इंडियंस सेवन फोर हो जाएगा इस केस में हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं एक केस ये भी बन सकता है इसके अंदर ऑल इंडियंस क्योंकि नॉट मोर देन दे रखा है तो हो सकता है कि हमने एक भी जैपनीज नहीं लिया तो इट मीन रिमेनिंग जो भी आपकी कमेटी बनेगी वो फुलफिल की जाएगी by the only Indians one. Indian, तो हम ले लेंगे सेवन सी फाइव सेवन इज अ टोटल नंबर ऑफ इंडियन और उसमें से हम चूज करेंगे तो 5, 1, जो हमारी कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ये केस हम फर्स्ट वन भी बना बना चुके हैं तो इसलिए हमने सीधा सीधा आंसर लिख दिया ट्वेंटी वन अब हमें क्या करना है तीनों ऑप्शन में से फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई एक चूज करना है इसलिए मैंने प्लस लिखा आइडर वन और द द वन वन और थर्ड या तो टू पहला सेकेंड केस होगा तो के के, वन फोर्टी तो के वे में बनेगा एंड थर्ड वन होगा तो ट्वेंटी वन वे से हम कमेटी को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे ये था कॉम्बिनेशन के सिंपल बेसिक क्वेश्चन के बाद यही कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर काम आता है होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा हर तरह की की प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन एज वेल एज परम्यूटेशन में लेने की कोशिश की है काफी है इस इस वीडियो के लिए इतना काफी है नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर थैंक यू